जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखा दी गई है और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हमारे साथ। दिनेश जी, जन विश्वास रथ यात्रा को आपने शुरुआत तो कर दी है, लेकिन रास्ता आसान नहीं लगता? बीजेपी ने काम किया है और बीजेपी काम के आधार पर काम कर रही है, और आप जिस प्रकार से जन सैलाब को देख रहे हैं, ये हमारा हर जगह पर है। कोई एक जगह पर कर रहा है, हम अनेक जगह पर कर रहे हैं। कोई एक जिले में निकलता है, हम पूरे प्रदेश में निकलते हैं। अब पूरे प्रदेश का जो वातावरण है वो भाजपा में है। आज सपा की मुसीबत है बसपा, बसपा की मुसीबत है कांग्रेस, और कांग्रेस की मुसीबत है MIM। ये सब आपस में लड़ रहे हैं और आपस में करेंगे। बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। हमने विकास किया है और विकास के आधार पर हम चुनाव के मैदान पे हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं, हम पिछला रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे उत्तर प्रदेश। जी कह रहे हैं कि अब चुनाव आ गया है तो IT रेड, ED, CBI सब आएगी उत्तर प्रदेश। ये जो भारत सरकार की संस्थाएं होती हैं वो निष्पक्ष हैं, और ये इस प्रकार का दुष्प्रचार ये करते हैं। अगर किसी गलत व्यक्ति के वहाँ कोई कार्रवाई होती है तो उसका दुख दूसरों को क्यों होता है? बीजेपी सरकार किसी प्रकार की पक्षपात करने वाली पार्टी नहीं है। सबके साथ न्याय और दुर्व्यवहार किसी के साथ में नहीं, इस नीति पे चलती है। आखिरी सवाल, बुंदेलखंड के वीरों की धरती थे, ये कितने सीटों के जीतने का संकल्प लेके जा? मैंने कहा ना कि 19 सीटें आएंगी, और आसपास के जो बुंदेलखंड के साथ साथ जो कानपुर पर क्षेत्र है वहाँ 99% सीटें जीतेंगे, और आप देखेंगे आपकी पिछला रिकॉर्ड बीजेपी का बीजेपी तोड़ेगी। बीजेपी अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी, और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र से जो जन विश्वास यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। डिप्टी CM साफ तौर पर कहते हुए, अखिलेश यादव ट्विटर वाले नेता हैं, ट्वीट करते हैं, संकट के समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़कर जनता के लिए काम किया था। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर लड़ाई काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। झांसी से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।